वेलकम एवरीवन, इट्स मी खुशी खान। तो आज की वीडियो में मैं बनाने जा रही हूँ पोटैटो मायो क्रोकेट्स। तो पोटैटो मायो क्रोकेट्स बनाने के लिए मैंने एक किलो के करीब आलू लिए हैं बॉयल किए हुए, 5 अदद मैंने अंडे बॉयल किए हुए लिए हैं, 8 अदद मैंने बारीक कटी हरी मिर्च ली है, 2 गटी मैंने बारीक कटा हुआ धनिया लिया है और 1/2 कप मैंने मायोनीज ली है। तो सबसे पहले जो है आलू को मैश कर लेंगे। आलू आप ले लें और इसको आप मैशर की मदद से मैश कर लें और इसमें बिल्कुल भी कोई गुठली ना रहे, बहुत ही अच्छे से फाइन मैश होना चाहिए। इसको मैश करने के बाद इसमें आधा धनिया और आधी आपने इसमें हरी मिर्च बारीक कटी हुई जो काटी थी वो इसमें डाल देनी है। और उसके बाद जो है 1.5 टीस्पून नमक ऐड करना है, ब्लैक पेपर 1 टेबल स्पून ऐड करना है, पेपरिका पाउडर 1 टेबल स्पून ऐड करना है और चाट मसाला 1 टेबल स्पून ऐड करना है और मायोनीज 3 टेबल स्पून ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स करके इसका एक मिक्सचर बना लें और बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाएगा। इसके बाद जो है हमने अंडे ले लेने हैं 5 अदद और उसको भी हम मैश कर लेंगे। मैश करने के बाद जो है इसमें हरा धनिया और हरी मिर्च बारीक कटी हुई डाल देनी है और इसके बाद इसमें 1 टेबल स्पून नमक ऐड करना है, 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर ऐड करना है, 1 टेबल स्पून चाट मसाला ऐड करना है और इसके बाद 3 टेबल स्पून इसमें भी मायोनीज ऐड करेंगे और इसको ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक इसका भी एक मिक्सचर तैयार कर लेंगे। तो जब इसका मिक्सचर तैयार हो जाएगा तो सबसे पहले हम लोग आलू के रोल बनाना शुरू करेंगे। तो आलू आप ले लें हाथ पे इस तरह से और एक टिक्की की तरह बना रहे हो, इसके बीच में आप ये अंडों का मिक्सचर रख के इसका रोल बना लें और इसको रोल की शेप दे दें और इसी तरह से आप सारे रोल्स तैयार कर लें। और जब सारे रोल्स तैयार हो जाएंगे तो इसको अंडे की और ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करेंगे। ब्रेड क्रम्स की कोटिंग के लिए मैंने इसमें ब्रेड क्रम्स लिए हैं और इसके साथ जो है मैंने इसमें लेस के चीज़ फ्लेवर मैंने वो डाले हैं और इसको अंडे में कोट करके और इसमें ब्रेड क्रम्स के और लेस चीज़ मिक्स करके जो है वो इसको कोट कर लेंगे। और इसको कोट करने के बाद जो है इसमें इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है, मतलब आलू भी पके हुए हैं और अंडे भी पके हुए हैं तो सिर्फ इसको आपने ब्राउन करना है, इसको आपने ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। और इसमें बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा मायोनीज का, मीठा फ्लेवर भी आएगा, स्वीट फ्लेवर देगा और थोड़ा सा स्पाइसी फ्लेवर भी आएगा स्पाइसेस की वजह से। तो तैयार हैं बहुत मज़े के पोटैटो मायो क्रोकेट्स। तो लाजमी बताइए आपको वीडियो कैसी लगी एंड काइंडली लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। दोबारा मिलेंगे एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।